हेलो गाइज, मैं हूं लक्ष्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जावा पैरा की, जिसमें हमें 350 cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 30 PS की पावर और 33 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो बात करते हैं लॉन्चिंग की। तो 2020 जनवरी में जो है लॉन्च हो गई थी, और उसके बाद में सितंबर के महीने में हमने इसे बुक करवाई थी। उसके बाद में नवंबर में ये डिलीवरी मिली है। तो कैसी क्या परफॉर्मेंस है बाइक की, तो उन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्या मेंटेनेंस है, क्या फीचर्स है, क्या माइलेज दे रही है गाड़ी कैसी है, और लॉन्ग रूट पे कंफर्टेबल है या नहीं है, तो उन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। हाई स्पीड पे वाइब्रेशंस है या नहीं है, टॉप स्पीड गाड़ी की कितनी है, और प्राइस फिगर की बात कर लेते हैं। तो आपको सभी चीज़ें बताते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चाबी कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी, जिस पे जावा की ब्रांडिंग है। और चाबी को लगाते हैं और सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। दोस्तों 700 किलोमीटर के आसपास जो है हमारी बाइक जो चल चुकी है, और कुछ इस तरह का आपको मीटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ का जो है स्विच मिलता है, और ये स्टार्ट करने के लिए। और इस तरफ आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, इंडिकेटर्स का है, हॉर्न का है, ये डीपर के लिए है। ये एक वेट क्लच है, स्लीपर क्लच इसमें जो है नई दिया गया है। ये मिरर्स है, और यहाँ पे पैराग की ब्रांडिंग है। ये फ्यूल फिल करवाने के लिए है, ऐसे खुलता है, की लगती है। यहाँ पे भी जावा की ब्रांडिंग है, और सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट के नीचे लाइट लगी हुई है जो ब्रेकिंग पे अगेन ग्लो करती है। इस साइड आपको बैक साइड में इंडिकेटर्स मिलते हैं, हेलोजन में मिलते हैं, और ये हेलोजन में है। यहाँ पे जो है लाइट मिलती है, जिसमें LED का इस्तेमाल किया गया है। ये रिफ्लेक्टर है, और ये व्हील है जो कि ट्यूबलेस है, और ABS सिस्टम है, और डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ये एग्जॉस्ट है, और ये सस्पेंशन आपको यहाँ पे सिंगल सस्पेंशन मिलेगा।
तो बैटरी का है और यहाँ पे फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं। वापस इसको बंद कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग है। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें दोनों साइलेंसर मर्ज होते हैं और उसके बाद में एग्जॉस्ट बाहर निकलती है। यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग है और किक का है, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ढक्कन यहाँ से खुलता है और इसके अंदर जो है डेढ़ लीटर का ऑयल इसमें डलता है। ये आफ्टर मार्केट हमने लगवाया है, इसकी प्राइस है लगभग 1500 के करीब। काफ़ी मजबूत है ये। ये इग्निशन ऑन करने के लिए है और ये हैंडल के लिए है, जो लॉक करने के लिए है। चाबी इसमें वापस लगा देते हैं और ये आपको रेडिएटर मिलता है। ये क्लच वायर जो यहाँ से ख़राब हो गया है, जो कि इसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, ब्रेक है, एबीएस, ये मडगार्ड है, काफ़ी मजबूत है। ये सस्पेंशन है, यहाँ पे हेलोजन आपको मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स है। ये आपको जो है जावा की तरफ से मिलता है, लेकिन आवाज़ इसकी थोड़ी कम है तो हमने ये एक और लगवाया है, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ जो है इससे है। अब ये आपको हेडलाइट हेलोजन में मिलती है, इसमें आपको ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। इंजन जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे ये फ़ैन मिलता है और जावा की यहाँ पे ब्रांडिंग है। गियर शिफ्टिंग का जो है यहाँ पे है और 6 स्पीड आपको गियर मिलते हैं। और टायर साइज फ्रंट और रियर की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूल एग्जॉस्ट जो है आपको पेराक में देखने को मिलेंगे। अब बात करें सर्विस कॉस्ट की, तो 4 फ्री सर्विस जो है कंपनी की तरफ से मिलती है, जिसमें से हमने फर्स्ट सर्विस करवा ली है और 1600 रुपये का चार्जेबल अमाउंट इसमें रहा है। और बाकी लेबर की बात करें तो 700 रुपये का लेबर चार्ज है, जो कि फ्री सर्विस होने की वजह से हमसे नहीं लिया गया है। अब बात करें गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको कोई शिकायत जो है इससे नहीं रहेगी। एकदम काफ़ी मजबूत जो है वो चीज़ इसमें लगी हुई है, काफ़ी बेहतरीन है। वाइब्रेशंस की बात करें तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 100 की स्पीड तक तो कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वाइब्रेशन जो है महसूस होने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाइक कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।